हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि आप सभी के काफ़ी कमेंट्स थे और मैंने कल संडे में लाइव बातचीत जो मैंने आप लोगों से की थी, उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग की शाम को पाँच बजे बच्चों आप लोग का मैं लेने आ वाला हूँ हिंदी का क्लास। तो बच्चों हिंदी कह रहे हैं बच्चों इतिहास का क्लास, ठीक है। तो इतिहास के पहले चैप्टर से आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग का है बच्चों, चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है ईट मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता की स्पेशली बात की जाएगी बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज इसका पहला पार्ट बच्चों मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। हर रोज़ शाम को 5 बजे क्लास हुआ करेगी, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की बच्चों, और देखते हैं पहला पॉइंट आप लोग का क्या। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा समझेंगे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है बच्चों। पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृति शब्द का संबंध विशेष क्षेत्र तथा कालखंड से, जो संस्कृति शब्द का संबंध है बच्चों विशेष क्षेत्र तथा कालखंड से है। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से मैं ये चीज़ कहूँगा बेटा, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोग को इस प्रकार के वीडियो का आप लोग को फ़ायदा मिल सके बच्चों। और जो मैं इतिहास का क्लास शुरू किया हूँ बच्चों, इसमें आप लोग के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ाए हुए नज़र आएंगे बच्चों, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों को शेयर कर दीजिए बेटा, पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊँगा, जैसा कि शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र का चल रहा है उसी तरीके से इसका भी बच्चों। हड़प्पा सभ्यता वर्ष 1924 में दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में फैली हुई थी। इस सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व था। इससे पूर्व तथा पश्चात की संस्कृत को आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा गया है। इसकी मुहरें सही वस्तु स्थिति का बोध कराती हैं। सेलखड़ी पत्थर पर लिखी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, यह लिपि चित्रात्मक है। अगला पॉइंट है बच्चों आप लोग का, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से इस सभ्यता के बाट पत्थर तथा फलक प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा तथा प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है। पहला खोजा गया जो शहर था बच्चों वह हड़प्पा था, और प्रमुख जो शहर था वह मोहनजोदड़ो है। क्लियर है? चलिए ठीक है। इस सभ्यता में कांस्य धातु से निर्मित वस्तुएं मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन कहा जाता है। कांस्य धातु जो होता है बेटा, उनकी वस्तुएं मिली थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्न है। पहला है हड़प्पा, यहाँ की मुहरों पर एक श्रृंगी पशु अंकित है तथा यहाँ सब उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ की एक प्रसिद्ध मुद्रा आकृति है, इसका आधा भाग बाघ तथा आधा मानव का है। इसके पश्चिम दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। कालीबंगा बच्चों, यहाँ का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार है तथा यहाँ अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। शल्य चिकित्सा के भी बच्चों यहाँ से क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। चौथा पॉइंट है चन्नूदड़ो, यहाँ किलेबंदी का अभाव था तथा यहाँ से 4 पहियों वाली गाड़ी तथा 2 मछलियों के अंकन वाली आकृति मिलती है तथा यहाँ वक्रकार ईंटें मिलती हैं। पांचवा पॉइंट है आप लोग का बच्चों लोथल, यह एक बंदरगाह नगर था जहाँ एक घर से सोने के दाने, सेलकड़ी की मुहरे तथा पूरी तरह रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। और छठवां पॉइंट है बनावली, यहाँ की नगर योजना शतरंज के जाल के समान थी तथा यहाँ से हल की आकृति का खिलौना मिला है। ओके डियर, चलिए हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के माध्यम,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जीवन निर्वाह क्या क्या माध्यम थे बच्चों? पहला है कृषि। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूँ सॉरी बच्चों, यहाँ की मुख्य खाद्यान्न थोड़ी सी खांसी आ गई बच्चों, ठीक है। ये देखते हैं, यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, दाल तथा तिल प्रमुख थे बच्चों। कृषि प्रौद्योगिकी को देखेंगे बच्चों, यहाँ खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, जिसका उदाहरण बनावली के मिट्टी के हल के प्रतिरूप में प्राप्त होता है, तथा यहाँ एक स्थान पर दो फसलें उगाने के संकेत मिलते हैं। इस सभ्यता में अफगानिस्तान के सोरतुघई नामक स्थान से सिंचाई के अवशेष मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज का टॉपिक ये था, फिर पशुपालन और ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा आज ही आप लोग का, पशुपालन एवं शिकार। इस सभ्यता के पालतू पशु भेड़, बकरी, भैंस आदि थे, तथा हड्डियों के साक्ष्यों से यहाँ जंगली प्रजातियों की भी पुष्टि होती है। पशु पक्षियों मछलियों की प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ के निवासियों के मांसाहारी होने के संकेत भी प्राप्त होते हैं। शिल्प उत्पादन बेटा, शिल्प उत्पादन में चंदूदड़ो प्रमुख स्थान था या प्रमुख स्थल था। शिल्प में मनके बनाना, धातु कर्म तथा मुहर निर्माण आदि शामिल थे। मनकों का निर्माण लाल रंग के कार्निलियन, जैस्पर तथा सेलखड़ी आदि से किया जाता था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये थी आप लोग के बच्चों टॉपिक्स आप लोग का, ठीक है, आज का टॉपिक। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना बेटा, आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला चैप्टर जिसका नाम था ईट मनके तथा अस्थियाँ, हमने आज इसकी शुरुआत कर दी है। इसका पहला पार्ट आप लोग को मिल चुका है बेटा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।